हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जितने भी आपके मिड टर्म में चैप्टर्स आने हैं उसमें जो कॉपी वर्क है आपका वो सारा रिवाइज करा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ चैप्टर को रीड करेंगे। इसमें आपका सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द नॉर्थन प्लेन्स, ये मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हैं बच्चों, इनका वन वर्ड में आंसर देना है आपको। एन एरिया वॉटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से पानी होकर जाता है, यानी कि नदी का और इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि इसकी जो सहायक नदी है उसका पानी होकर जाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? बेसिन। क्या कहलाता है बच्चों? बेसिन। नेक्स्ट है फ्री फूड सर्वड दैट ए गुरुद्वारा, एक जो खाना होता है जो फ्री में मिलता है, सर्व किया जाता है बच्चों गुरुद्वारे में, वो क्या कहलाता है? लंगर। क्या कहलाता है बच्चों? लंगर। उसके बाद है डिफाइन, यानी कि इनको डिफाइन करना है आपको। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है बच्चों? ए स्मॉल रिवर दैट जॉइंस ए बिग रिवर, जैसे एक बड़ी नदी है, ये मान लिया गंगा नदी है, इसमें कोई छोटी नदी आकर मिल जाए, जैसे इसकी सहायक नदी है, जैसे गंडक है, कोसी है, घाघरा है, ये सब क्या है? रिवर की, गंगा रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होता है बच्चों सहायक नदी, जो एक बड़ी नदी में आकर छोटी नदी मिल जाती है वो कहलाती है ट्रिब्यूटरी। उसके बाद संगम, संगम क्या होता है बच्चों? द प्लेस वेयर रिवर गंगा मर्ज विद रिवर यमुना, एक ऐसा स्थान जहाँ पर, ऐसा प्लेस जहाँ पर जो रिवर गंगा है वो मर्ज होती है, यानी कि मिल जाती है किससे? जो रिवर यमुना है, यमुना रिवर से जहाँ पर मिल जाती है वो क्या कहलाता है? संगम। क्या कहलाता है बच्चों? संगम। फिर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, विच थ्री बिग रिवर्स फ्लो इन द नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स में कौन सी थ्री रिवर्स हैं उनके नाम बताने हैं। कौन कौन सी है? गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी अभी मैंने बताया आपको, सहायक नदी कौन कौन सी है गंगा की सहायक नदी? यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी एंड सोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम थ्री स्टेट लाई इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में स्टेट पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। उसके बाद इन विच ईयर दिल्ली वाज मेड ए यूनियन टेरिटरी, कौन से सन में जो दिल्ली है उसको यूनियन केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था बच्चों? कब बनाया गया था? 1956 यानी कि 1956 में। फिर नेक्स्ट है, वेयर फ्रॉम द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइट्स, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से ऑर्गेनाइट्स होते हैं? रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइट्स फ्रॉम तिब्बत, कहाँ से होती है बच्चों? तिब्बत से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बच्चों? सुंदरबंस का डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। राइट द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है बच्चों? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें फर्स्ट है, वाई इज डेली कॉल्ड मिनी इंडिया, जो डेली है उसको मिनी इंडिया यानी कि छोटा भारत क्यों कहा जाता है? डेली इज कॉल्ड ए मिनी इंडिया, छोटा भारत कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लिव हेयर, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं जैसे पंजाबी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश ETC। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थ्री रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन की तीन नदी सतलुज बताने हैं, कौन से हैं? द नॉर्थन प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री रिवर बेसिन, फर्स्ट है द सतलुज रिवर बेसिन, सेकंड है द गंगा रिवर बेसिन और थर्ड है द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे अब हम। चैप्टर नंबर 7 में इसका नेम है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जलवायु। इसमें सबसे पहले डिफाइन सीजन, सीजन क्या होता है? ए डिवीज़न ऑफ द ईयर, ईयर का भाग, ईयर का टुकड़ा एक साल का, मार्क्ड बाय चेंज इन द वेदर, जो मौसम के अनुसार चेंज होता है वो क्या कहलाता है? सीजन। ठीक है बच्चों, फिर इसमें है कीवर्ड, है कीवर्ड बताना है, द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक का टाइम जो चेंज नहीं होता है, रेगुलर पैटर्न होता है मौसम का, वो क्या कहलाता है बच्चों? क्लाइमेट यानी कि जलवायु। क्या कहलाता है? जलवायु। फिर नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई समर आफ्टरनून विंड्स आर कोल्ड, जो एक तेज स्ट्रॉन्ग
हॉट गरम एंड ड्राई सूखी समर आफ्टरनून, जो दिन में गर्मियों के दिनों में चलती है विंड मतलब हवा, और कोल्ड उसको क्या कहा जाता है बच्चों, लू, जो गर्म और बहुत तेज हवाएं गर्मियों में चलती हैं उनको कहा जाता है बच्चों लू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या है यानी कि मौसम क्या है, चेंज इन द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर यानी कि वातावरण की कंडीशन में चेंज होना, बदलाव होना, ओवर ए शॉर्ट पीरियड एक छोटे से टाइम के लिए, ऑफ द टाइम आर कॉल्ड वेदर, क्या कहलाता है बच्चों मौसम कहलाता है जो दिन प्रतिदिन चेंज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में कितने सीजन है, देयर आर मेन थ्री सीजन, कितने सीजन है, थ्री हैं, फर्स्ट है विंटर सर्दी यानी कि समर गर्मी, और मानसून बारिश वाला, ठीक है बच्चों। थर्ड है फिर क्वेश्चन, हु इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, एक क्षेत्र की जलवायु को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, प्रभाव कौन डालता है, यानी कि इसमें है रेनफॉल यानी कि वर्षा वहाँ की, टेम्परेचर वहाँ का तापमान, इट इज ई इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, और भी कई कारण होते हैं जो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं किसी भी क्षेत्र की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज लू, लू क्या है एंड वेयर डज इट ब्लो, और ये कहाँ से चलती है, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, कुछ ऐसे उत्तर के ऐसे पार्ट ऐसे भाग, एंड वेस्ट और वेस्ट के भी, इंडिया दैट कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कवर करते हैं उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, ठीक है, ये क्या हो गए, यहाँ पे लू हवाएं चलती हैं और ये क्या होती है, हॉट विंड्स आर कॉल्ड लू, क्या कहलाता है बच्चों, ये लू कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद है इसमें ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है, व्हाई इज साउथ इंडिया लेस वार्म देन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर, जो साउथ इंडिया है बच्चों, उस साउथ इंडिया है वो ठंडी क्यों होती है नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ वाला जो उत्तर का भाग है वो इंडिया का गर्म रहता है साउथ की अपेक्षा, ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों के समय में द टेम्परेचर इन द साउथ इंडिया, जो टेम्परेचर होता है साउथ इंडिया का दक्षिण भारत का, इज लोअर देन नॉर्थ, वो लो हो जाता है नॉर्थ से उत्तर से, बिकॉज क्योंकि ऑफ द फ्लोइंग रीजन, उसके निम्न रीजन है, क्या रीजन है क्या कारण है, साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम द थ्री साइड, जो नीचे का भाग है यानी कि देखो इंडिया ऐसे है ना बच्चों, वो तीन, उसका तीन भाग यानी कि इधर इधर और इधर, वो तीनों भाग से क्या है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला भी कहा जाता है। साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर और फॉर्म द थ्री साइड वाटर है उसके साउथ में, देयरफॉर इसलिए इट लाइज इन द पेनिनसुलर रीजन, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में अंतर बताना है। वेदर क्या होता है बच्चों, वेदर इज़ द डे टू डे और शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में दिन प्रतिदिन का बदलाव होना ही क्या कहलाता है बच्चों, वेदर यानी कि मौसम कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये सुबह को कुछ और होता है यानी कि सर्दी सी होती है, दोपहर में गर्मी हो जाती है, फिर शाम में फिर ठंड हो जाती है, ऐसे होता है यानी कि ये घंटे दो घंटे में दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट यानी कि जलवायु की बात करें तो जलवायु कहती है, क्लाइमेट इज़ द ओवरगेट वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि एक जलवायु कहती है एक ऐसी कंडीशन जो एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक एक प्लेस पे चलती रहती है, यानी कि सर्दी चल रही है तो कुछ समय तक